मित्रों नमस्कार, संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर आज हम जो जसत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि जसत्व संधि होते क्या है, और संधि के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो भी आदेश होगा वह जसत्व ही आदेश होगा। जस एक प्रत्याहार है, तो इस संधि में जस वर्ण आदेश होंगे, इसीलिए इस संधि का नाम जो जसत्व संधि पड़ा है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए चलते हैं, हम जसत्व संधि के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जसत्व संधि का या जसत्व संधि करने वाला सूत्र है। एक सूत्र है झलाम जसो अंते। क्या सूत्र है? झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते, अर्थात झल प्रत्याहार के वर्ण यदि अंत में आए और उसका क्या हो जाएगा? जस हो जाए। अंते झलाम जस, अंते झलाम जस, अर्थात अंत में अगर झल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो उसका जो है जस आदेश हो जाएगा। तो झल में प्रत्यय कौन कौन से आते हैं, तो हम यहाँ पर झल लिख देते हैं, यह भी एक प्रत्यय है और ये जस भी एक प्रत्यय है, बस इतना ही लिखा है कि झल के बाद झल पद अंत में हो तो उसका जस आदेश हो जाए, लेकिन उसके बाद कौन सा वर्ण हो ये नहीं दिया है। तो यहाँ पर तीन कॉलम बनाएंगे और एक इधर बनाते। तो यह सूत्र कहता है कि झल प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर व्यंजन हो, ये परवर्ण में क्या आएगा? परवर्ण में कि कोई भी स्वर व्यंजन हो, कोई भी स्वर व्यंजन हो। यहाँ पर यह निर्धारित नहीं है कि यह वर्ण आएंगे तभी जो है जस आदेश होगा। झलाम जसो अंते जो सूत्र है तो यह बताएगा कि झल प्रत्याहार के बाद कोई भी चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए। व्यंजन की जब हमने परिभाषा बताई थी कि व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए तब भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन आए तब भी स्वर व्यंजन संधि होगी। तो झल प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आएंगे, तो आपको प्रत्याहार पढ़ाया गया था कि झभय से लेकर हल तक हम लोग हल के ल तक चलेंगे। तो झभय में अर्थात वर्ण का चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर, जैसे झ भ, तो हम इसकी अब गणना नहीं करेंगे। अंतिम वर्ण के झभय घट धस घ ढ ध घड धस झ भ घ ढ ध, अब उसके बाद आ जाएगा जब गड दस ज ब ग ड द जब गड दस, उसके बाद ख प छठ वर्ग का दूसरा अक्षर आ गया ख फ छ ठ थ च ट त क प य स ष स ह, यही वर्ण आएंगे झल प्रत्याहार में। झभय से लेकर झभय घड धस जब गड धस ख प छठ थ चट त कपय सक्षर और हल। इट संज्ञक वर्णों को छोड़ देंगे या हलंत वर्णों को छोड़ देंगे, क्योंकि हलंत वर्णों को इट संज्ञा की जाती है और इट संज्ञा करने के बाद तस्य लोपः से उसका लोप कर दिया जाता है। तो अब झल प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं, अब जस में कितने आएंगे? तो जब गर्दस के ज से लेकर उसी जब गर्दस के अंतिम जो स हलंत है वहाँ तक वर्ण जाएगा। तो जब गर्दस में ज आएगा, ब आएगा, ग आएगा,
ड आएगा और द आएगा। तो झल प्रत्याहार के बाद झल में कितने आते हैं? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट, इस प्रकार से वर्ण आएंगे। अगर इसको आसान से लिखना हो तो ये वर्ग के चौथे अक्षर हैं। सभी वर्गों के बताया था कि वर्णमाला में पांच वर्ग होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जिसे कूचू टू तू पू कहते हैं। तो ये वर्ग के चौथे अक्षर हो गए, ये वर्ग के तीसरे अक्षर हो गए, ये वर्ग के जो है दूसरे अक्षर हो गए, ये वर्ग का पहला अक्षर हो गया, यह वर्ग का पहला अक्षर हो गया, और यह जो है तीनों स हो गए, यह तीनों स हो गए और ह हो गए। तो अगर इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और तीनों स और ह, अर्थात उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन और वर्ग का या सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद, वर्ग का तीसरा के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आए, कोई भी स्वर व्यंजन आए, तो उस झल के स्थान पर, उस झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा, उस झल के स्थान पर जस आदेश होगा। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लें कि जस क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा साफ करके इसको थोड़ा सा सीधा सीधा लिख दें कि झल के स्थान पर क्या क्या आएगा। सभी वर्ग का, सभी, आपको मालूम होगा कि वर्ग पांच होते हैं, सभी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सख स ह वर्ण जो है झल प्रत्याहार में आते हैं। सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी वर्गों का मन क के बाद ख ही आएगा, ख के बाद ग ही आएगा। जब भी हम कहेंगे क का द्वितीय, क वर्ग का द्वितीय वर्ण क्या होगा, तो ख ही होगा। क वर्ग का तीसरी वर्ण क्या होगा, ग। यह कभी भी अपना स्थान नहीं बदलती, इसीलिए हम लोग इस तरह से याद कर लेते हैं। झल प्रत्याहार में सभी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, प के बाद फ ही आएगा, या आप कहीं भी ऐसा लिखा नहीं पाओगे कि प के बाद ब आ जाए। तो वर्ण निर्धारित है, उनका क्रम कभी बदलता नहीं, इसीलिए तो सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स, ख, स और ह वर्ण के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आए तो उनके स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। जस अर्थात सभी वर्ग का तीसरा वर्ण, ज जो है च वर्ग का तीसरा वर्ण है, च, छ, ज, ब है प वर्ग का तीसरा वर्ण है, प, फ, ब, ग जो है क वर्ग का तीसरा वर्ण है, क, ख, ग, ड जो है ट, ठ, ड, और द जो है त, थ, द तीसरा वर्ण है। तो जस आदेश होगा। अब इसको हम, आप इतना समझ जाइए कि झल के स्थान पर, झल अर्थात सभी वर्गों का, क वर्ग का, च वर्ग का, त वर्ग का, ट वर्ग का, प वर्ग का चौथा वर्ण, मैं सभी वर्गों का चार चार अक्षर, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन तीनों स और ह के बाद अगर कोई भी स्वर व्यंजन आए तो उनके स्थान पर जस होगा। यह सूत्र यही कहता है, झलाम जसो अंते, अंत में अगर झल हो तो उनका जस आदेश हो। तो इसे प्रश्न भी बन जाएंगे, जसोत संधि करने वाला सूत्र है, झलाम जसो अंते। तो यह संधि होता ना पदांत के अंत में करता है। अभी एक आगे सूत्र आपको मिलेगा, जलाम जस झस, वह अपदांत का होगा। यह पदांते झलाम जसो अंते, पद के अंत में
अगर जो है जल प्रत्याहार हो तो उसका जस आदेश होगा। तो आपको इसका नियम अब याद हो गया होगा, कई प्रकार से बताया गया कि सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों स ह आए तो, और उसके बाद कोई भी स्वर व्यंजन आए तो उसका जस आदेश होगा। तो चाहे इस तरह से याद कर लो, चाहे झ भ घ ढ, जो आपको आसान हो उसी तरह से याद कर सकते हो, या झल के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आएगा उसका जस आदेश होगा। अगर आपको प्रत्याहार होगा तो झल का अर्थ आप लगा लोगे कि सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन के बाद कोई स्वर व्यंजन आएगा तो उनके स्थान पर जस संधि या जस आदेश होगा। तो आइए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा सा हम उदाहरण ले लेते हैं। और वह उदाहरण है पहला, अभी हमने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था कि कौन सी संधि इसमें से नहीं है, चार शब्द दिए थे, उसी शब्द का ले लेते हैं। एक शब्द है वाक और इस। क जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता था और जो परवर्ण है वह स्वर था, अर्थात वाक प्लस इस में सारे नियम इस झलाम जसत्व संधि के लागू हो रहे थे। क झल वर्ण के अंतर्गत आता था और इस जो है वह कोई स्वर या व्यंजन हो, इसकी कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं थी, या कोई जो है यहाँ पर बाध्य नहीं किया गया था, यह ही वर्ण आए। झल के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आए तो वाक प्लस इस। तो अब क का जो है उच्चारण स्थान देखा गया, किसके स्थान पर जस जो होगा, जस में इसके स्थानी के जैसा कैसा, हमने कहा था झल के स्थान पर होगा, तो झल में क है। अब क का स्थानी देखा गया कंठ था, क का स्थानी जो था वह कंठ था। तो अब जो कंठ है तो देखा गया कि जस में कंठ वर्ण कौन से हैं, ज कंठ वर्ण नहीं था, वह ताल वर्ण से उच्चरित होता था। ब जो है ओष्ठ से उच्चरित होता था, ग जो है कंठ से उच्चरित होता था, और भी वर्ण थे, वह कोई दंत से उच्चरित होता था, कोई मूर्धा से उच्चरित होता था, लेकिन ग ही एक वर्ण जस में मिला जो कंठ से उच्चरित होता था, इसीलिए क के स्थान पर क्या हो गया, ग आदेश हो गया। क के स्थान पर ग आदेश हो गया। जब हम इसको अब मिला देंगे तो हमारा नया रूप बन जाएगा, वा ग और ई की मात्रा आकर मिल जाएगी और नया रूप हमारा बनेगा वागीश। नया रूप बना वागीश। कभी कभी इसी तरह से पूछ देता है कपीश, रबीश, वागीश, और एक दे देगा हरीश, में कौन सी संधि स्वर संधि नहीं, सारे प्रारूप आपको एक जैसे दिखे। इसका जो आकार है कपीश की तरह मिल रहा है, बड़ा ई उसमें भी दिखेगा, रबीश में भी मिल, तो धोखा मत खाना। वागीश जो है वह व्यंजन संधि है, चार ऑप्शन दे देगा कौन सी व्यंजन संधि है इसमें, कौन सा चारों में से अलग है, तो वागीश जो है चारों में से अलग है, बाकी जो तीन हमने बताया रबीश, कपीश, हरीश, वह स्वर संधि के हैं। थोड़ा सा ये भी अपना छोटी छोटी जो है गूढ़ बातें हैं, इसको भी ध्यान रखे रहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वह हमारा है बहुत पॉपुलर एग्जाम, छोटी कक्षाओं में मिलता है, हाई स्कूल इंटर में, और ऐसे ही एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने रखते हैं ताकि पेपर बनेगा वहीं से, तो हम भी वहीं से जो है उदाहरण उन्हीं की किताबों में से लेके आते हैं। वह है जगत ईश। जगत ईश त जो है यह झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता था और सारे जो है नियम जसत्व संधि के लागू हो रहे थे। अब त का कौन सा वर्ण जस में आदेश होगा, तो त का हमने देखा उच्चारण स्थान जो था दंत था, और जस में जो दंत वर्ण था वह हमारा द निकला, तो त का जो है उच्चारण स्थान हमें द आदेश हुआ, दंती वर्ण ये भी था, द भी उस जस में दंती वर्ण मिला, इसीलिए द आदेश हो गया। जब हम इसको मिला देंगे तो एक हमारा नया रूप बनेगा जग दीस। द हलंत था, बड़ी की मात्रा है, नया रूप बना जगदीश। एक एग्जाम्पल और लेते हैं
और वह हमारा एग्जाम्पल है जयत। जयत और आगे था रथ, बहुत पॉपुलर नाम है, जब इसका संधि करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जयत धन रथ है। तो अब इस त वर्ग का जो है द हो गया, त ता दंती से उस या दंत से उच्चरित होने वाला वर्ण था, और जब गढ़ दस में था जस में द वर्ण ही ऐसा था जो दांत से उच्चरित होता है, इसलिए यहाँ पर द आदेश हुआ। और जब इसको हम मिला देंगे तो ज हो गया, यह हो गया, आगे द आ गया, अब यह र इधर आया बाएं, तो यहाँ पर वो नीचे की तरफ चला गया और आगे जो है थ था और नया रूप बना जयद्रथ। यह महाभारत का एक पात्र है, यह महाभारत का एक पात्र है जयद्रथ, आपने सुना होगा। तो जयत रथ, इसका संधि विच्छेद होगा और नया रूप बना जयद्रथ। एक और उदाहरण लेते हैं और वह हमारा उदाहरण है तत् और आगे आपका अपि, आगे आपका अपि। सारे नियम लागू हो रहे थे, त का द हो रहा था, तो यहाँ पर त का जब द हो गया तो अब जिसको जब जोड़ेंगे त का द हो गया, द में अ की मात्रा मिल गई, अब आगे बना तदपि, आगे मिला तदपि। संस्कृत एक ऐसी चीज़ है, इसमें सभी हजारों शब्द क्या, इसकी भाषा इतनी संस्कृत माने संस्कार की होती है, या इतने इसके शब्द अच्छे होते हैं कि इसे हजारों हजारों शब्दों का, करोड़ों शब्दों का निर्माण किया जा। तदपि क्या हो गया, तदपि त का द हो गया, आगे मिला अपि। त का द क्या हुआ, स्थाने अंतरतम सूत्र के कारण के उच्चारण स्थान देखा गया, त दंत वर्ण का था, द भी जो है दंत वर्ण का था, इसीलिए जो है यह वर्ण आदेश हो गया। और आपका एक अंतिम उदाहरण है, आप इसी तरह से बुक में जो उदाहरण दिए गए हैं अलग करिएगा, उनको समझिएगा आखिर कहाँ से क्या परिवर्तन हो रहा है। तो अगला हमारा उदाहरण है दिक, जो दिशा का बोध कराता है, और आगे विजय है, आगे विजय है, दिक और विजय। तो अब इस का देखा गया कंठ उच्चरित हो रहा था, अब जस में कौन सा वर्ण कंठ से उच्चरित होता था, तो हमने देखा कि जब गढ़ दस में, जब गढ़ द में जो है वह जो है ग वर्ण जो था वह कंठ से उच्चरित होता था, तो इसलिए क की जगह जो है ग आदेश हो गया, क की जगह ग आदेश हो गया। जब इसको मिलाएंगे तो इधर जो है दी हो गया, क की जगह ग हो गया, और आगे कोई स्वर था नहीं इसलिए ग आधा ही लिखाया, और विजय था और नया रूप बना दिग्विजय। दिग्विजय दिशाओं को जीतने वाला दिग्विजय, यह एक कांग्रेस के नेता का नाम है दिग्विजय। समझ में आ गया। तो झलाम जसो अंते कहता है कि झल प्रत्याहार के बाद, झल प्रत्याहार अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तीनों स स ख स और ह के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आए, यह निर्धारित नहीं किया गया, बाध्य नहीं किया गया, कोई भी स्वर व्यंजन आए तो उस झल के स्थान पर जस होगा, उस झल के स्थान पर जस होगा, और किस वर्ण के स्थान पर जस होगा यह हम स्थाने अंतरतम सूत्र से निकाल लेते हैं, या उच्चारण स्थान से स्थानी के भाव को देख लेते हैं तो हम जस उसी तरह से आदेश कर लेते हैं। तो आज हमने जो है जसत्व संधि के पार्ट एक में झलाम जसो अंते सीखा, अगले वीडियो में हम आपको झलाम जस झसी का बताएंगे। यह पदांत के अंत का होता है झल, यह पद के अंत का होता है, इसीलिए पदांते झलाम, झलाम क्या है षष्ठी में बनता है तो इसीलिए जो है यह शब्द दिग्विजय आपको बताया गया, जगदीश बताया गया, वागीश बताया गया, तो अनेकों शब्द हैं, आप अपने बुक में देखोगे तो बहुत प्रकार के शब्द मिलेंगे।
तो इसी प्रकार से आप एक एक संधि को, एक एक शब्द को समझना, और शब्दों का केवल यह न देखो कि हम पढ़ लें किताब में लिखा है, हाँ इस तरह से संधि विच्छेद किया गया, ये हो गया। आप स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए, आप जो है सभी संधि को शब्द ढूंढ लीजिए, जगदीश मिल गया इसका संधि बनाइए और संधि विच्छेद कीजिए, क का ग क्या हुआ, इस तरह से लिखेंगे तो आपको पहली बार उदाहरण याद हो जाएंगे और यह संधि जो है क का ग क्या हुआ यह सब याद हो जाएगा। और आपके मस्तिष्क में जब सारे शब्दों की सिद्धि प्रक्रिया अर्थात इस प्रकार से आप सिद्ध किए रहे होंगे अपने रफ कापी पर, तो इससे पेपर में ये तो मालूम नहीं रहता कि दिग्विजय शब्द पूछेगा कि जगदीश पूछेगा, वागीश पूछेगा, कोई भी शब्द पूछ सकता है। तो हम हजारों एग्जाम्पल या 10, 20, 50 जो भी एग्जाम्पल इससे पढ़े रहेंगे, अगर वो शब्द हम एक बार दोहराए रहेंगे या लिखे रहेंगे तो अगर पेपर में पूछेगा तो हम आसानी से हल कर ले जाएंगे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सबसे अच्छी बात है कि झलाम जो सोअंते पढ़ाया भी आप ठीक है कि झल के बाद कोई स्वर व्यंजन आएगा वह जो है जस आदेश होगा, लेकिन अभी झलाम जस झस पढ़ा देंगे, दोनों में आप अंतर नहीं कर पाओगे कौन झलाम जो सोअंते का है कौन झलाम जस झस का है। तो इसीलिए एक एक शब्दों को हमें पढ़ना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर प्रथम बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। बस नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।